कंप्यूटर अब इतना बढ़ गया बा, कंप्यूटर अब इतना बढ़ गया कि करत बा मानव के मानव से दूर। अब इतना ज्यादा कंप्यूटर का इस्तेमाल होने लगा कि मानव मानव से दूर हो जा रहा है। अब देखिए घर में देखिएगा ना, मम्मी पापा भाई बहन सब बैठा हुआ है, आप मोबाइल पर लगे रहिएगा, है ना। मम्मी पापा से जितना पहले समय दे रहा था अपने परिवार में, उतना परिवार में कोई समय जो थोड़ा समय बच रहा है मोबाइल को दे रहा है, ना कि अपने परिवार को। इसलिए मानव को मानव से दूर, बगल में मम्मी पापा बैठा है, क्या बात किया कोई पता नहीं चला, हम मोबाइल में लगे हैं, है ना। पूरा मोबाइल भी समझिए तो ये पूरा मानव को मानव से दूर कर दिया है, ठीक है। अब किसी को विश भी करने पहले बर्थडे में आता था लोग घर पे, है ना। अब है ना बात करते हैं, आज मैं कंप्यूटर पढ़ने के लिए जागरूक मैं बच्चे को करना चाहूंगा, और आज का जो दुनिया जो है ना कंप्यूटर्स में कैसे जागरूक है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपने माध्यम से भी कुछ बच्चे को जागरूक करूँ, और जो कंप्यूटर जानते हैं और नहीं जानते हैं वो दोनों के लिए वीडियो मैं लाया हूँ। और एक छोटा सा प्रयास है, एक पोएम के माध्यम से आप सभी को कंप्यूटर्स का महत्व को मैं बताऊंगा कि कंप्यूटर आज की दुनिया में किस तरह से अपने प्रभाव को डाल दिया है और दुनिया को समझिए तो चला रहा है। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ मैं, कुछ बच्चे पे ही है। जो लेकिन कंप्यूटर न जानी वो का डिजिटल पहचानी, फिर भी उतर चलावेला व्हाट्सएप और फेसबुक, दिन भर लगल रहेला नाइस गुड ब्यूटीफुल और क्यूट में, कंप्यूटर से डरते क्यों हो, हलवा बना के खिला देंगे, एक बार आइए ना हमारे इंस्टीट्यूट में। तो आप लोग को ये मैं बता रहा हूँ कि डरना नहीं है कंप्यूटर से, एक बार हमारे इंस्टीट्यूट में आ जाइए, समझा देंगे आप लोगों को कैसे कंप्यूटर पढ़ाया जाता है, हलवा लगेगा, जैसे हलवा खाने में कोई मेहनत नहीं है, वैसे कोई मेहनत नहीं करता। चलिए नेक्स्ट हम लोग लाइन पे चलते हैं। जो लड़का डरेला कंप्यूटर में इंग्लिश से, देखिए ऐसा भी होगा कि आप लोग इंग्लिश से डरते होंगे, तो डरना नहीं, देखिए बताता हूँ मैं उपाय का। जो लड़का डरेला कंप्यूटर में इंग्लिश से, ओकरो इंग्लिश सिखावे के व्यवस्था बा कंप्यूटर में जीरो फीस में, कोई पैसा नहीं रहे, इंग्लिश जरूर सीखिएगा कंप्यूटर में जीरो फीस में। सही समय बा सही उम्र बा, सही समय बा सही उम्र बा, सीख ला कंप्यूटर न तो न सीखे पाइबा उम्र 30 में। लेकिन हम बता रहे हैं आप लोगों को कि जो लेकिन डरेला कंप्यूटर में इंग्लिश से, ओकरो इंग्लिश सीखे के व्यवस्था बा कंप्यूटर में जीरो फीस में। सही उम्र बा सही समय बा सही उम्र बा, सीख ला कंप्यूटर न तो न सीखे पाइबा उम्र 30 में। जब उम्र बीत जाएगा 30 हो जाएगा तब थोड़ी सीख पाइएगा, तो ये मैं कोशिश कर रहा हूँ समझाने का सबको, ठीक है। न सीखे पाइबा उम्र 30 में, कंप्यूटर से डरते क्यों हो, हलवा बना के खिला देंगे, एक बार आइए ना हमारे इंस्टीट्यूट में, ठीक है। अच्छा लगे तो आपको शेयर जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले लाइन के लिए। जिगरी साथी भेल भाई ये कंप्यूटर, जिगरी साथी भेल भाई ये कंप्यूटर, नए जमाने के बनल भाई ट्विटर। इतना जिगरी हो गया है कि आप लोग देखिएगा ना, कोई आपका दोस्त नहीं रहेगा पास, तो मोबाइल रहेगा ना तो आप आसानी से दिन को गुजार सकते हैं ना, लेकिन मोबाइल नहीं रहेगा तो लगेगा ऐसे कि कोई मतलब कि कुछ करीबी व्यक्ति जो हमारा ज्यादा करीबी था वो भुला गया है, तो इसीलिए जिगरी साथी हो गया, ठीक है। जिगरी साथी भेल भाई ये कंप्यूटर, नए जमाने के बनल भाई ट्विटर। नए जमाने के ट्विटर ये कंप्यूटर ही तो है, और टीचर की कहाँ जरूरत है, सब बच्चे लोग कंप्यूटर से पढ़ाई कर ले, हर विषय वस्तु के बारे में जो भी जानकारी लेना है टीचर से नहीं कंप्यूटर से, है ना। तो नए जमाने बनल भाई ट्विटर, मजबूरी हो गल बा एकर नॉलेज रखल अपने पास में, कंप्यूटर से डरते क्यों हो, कंप्यूटर से डरते क्यों हो, हलवा बना के खिला देंगे, आइए ना हमारे क्लास में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले लाइन के लिए। बटन दबावा तो लिखत जावत, अब देखिए कंप्यूटर में बटन दबाइएगा तो सब लिख देता है, एक है ना, तो उसी पर मैं बताया हूँ। बटन दबावा तो लिखत जावत, बटन दबावा तो हिसाब लगावत, बटन दबाइएगा तो लिखते जाएगा और बटन दबाइएगा तो हिसाब लगा देता है ना, क्या हिसाब करना है। तो बटन दबावत लिखत जावत, बटन दबावत हिसाब लगावत, तरह तरह के बात बताओ, कंप्यूटर ही अब दुनिया चलावत, है ना। कंप्यूटर पूरे दुनिया को चला ही रहा है ना, कंप्यूटर ही अब दुनिया चलावत, अब करे के ही पड़ी कंप्यूटर से दोस्ती, अब करे के ही पड़ी अब कंप्यूटर से दोस्ती, लगल बड़ी हम यही प्रयास में, कंप्यूटर से डरते क्यों हो, हलवा बना के खिला देंगे, एक बार आइए ना हमारे क्लास में। चलिए आगे लाइन के लिए बढ़ते हैं, लास्ट मेरा लाइन हो गई है, और आप लोग अच्छा लग रहा हो तो जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। इसमें सभी वर्ड्स में कुछ ना कुछ अर्थ है, आप समझिएगा कंप्यूटर जिस तरह से दुनिया में समझिए कि पूरा ये कैप्चर कर रही दुनिया को, है ना, हर फील्ड में डिपेंड व्यक्ति के ऊपर दिया है, तो उसी पर मैं ये लिखा हूँ। कंप्यूटर अब इतना बढ़ गया बा, कंप्यूटर अब इतना बढ़ गया कि करत बा मानव के मानव से दूर। अब इतना ज्यादा कंप्यूटर का इस्तेमाल होने लगा कि मानव मानव से दूर हो जा रहा है। अब देखिए घर में देखिएगा ना, मम्मी पापा भाई बहन सब बैठा हुआ है, आप मोबाइल पर लगे रहिएगा, है ना। मम्मी पापा से जितना पहले समय दे रहा था अपने परिवार में, उतना परिवार में कोई समय जो थोड़ा समय बच रहा है मोबाइल को दे रहा है, ना कि अपने परिवार को। इसलिए मानव को मानव से दूर, बगल में मम्मी पापा बैठा है, क्या बात किया कोई पता नहीं चला, हम मोबाइल में लगे हैं, है ना। पूरा मोबाइल ही समझिए तो ये पूरा मानव को मानव से दूर कर दिया है, ठीक है। अब किसी को विश भी करने पहले बर्थडे में आता था लोग घर पे, है ना। अब है ना व्हाट्सएप पे, हाँ फेसबुक पे, तो मोबाइल से ही मैंने कंप्यूटर से इनको विश कर दिया, बस दूर ही रहना है, पास आने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। कंप्यूटर अब इतना बढ़ गया कि करत व मानव के मानव से दूर, मानव ही मानव के छोड़, अब तो असिस्टेंट कंप्यूटर के बना के रखा था असिस्टेंट अपने पास में। यानी कि देख रहे होंगे आपको कंप्यूटर इतना ज्यादा बढ़ गया है कि मानव के मानव से दूर कर दे रहा है ना, तो असिस्टेंट अपने पास में, कंप्यूटर से डरते क्यों है, हलवा बना के खिला देंगे, आइए ना हमारे क्लास में।